ने संघ और राज्य सरकारों को ऐसे बच्चों की सूची बनाने का निर्देश दिया था जो खतरनाक काम धंधों में लगे हुए थे। अदालत ने कहा था कि उन्हें मुक्त कराकर बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी नीतियां और कानूनों में इसका कोई समाधान अब तक निकल पाया है। आफ्ताब, अगर हम योजनाओं की बात करें और कानून की बात करें और इसी के साथ अगर हम इच्छा शक्ति की बात करते हैं, कितना बड़ा गैप नजर आता है इन सब के बीच? कहीं ना कहीं इस चीज को, जो बाल मजदूरी की जो समस्या है, उसको पूरी गंभीरता के साथ जो सरकारी नीति में होनी चाहिए उसकी अमलीकरण और वो नीति भी, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा की कमी जरूर रही है। इसी वजह से ये समस्या अभी भी हमारे सामने जैसे थी लगभग उससे और उससे भी ज्यादा भयावह रूप में हमारे सामने अभी भी मौजूद है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी बाल मजदूरी की जो नीति है, जो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमारा जो एक्ट है अभी जो मजदूरी, बाल मजदूरी के लिए है, उसको अमेंड करने की जरूरत है। खासतौर से जब आप शिक्षा का अधिकार आ चुका है उसके साथ उसको मिलाना जरूरी है। और जितने भी प्रोग्राम है उसको किस तरीके से उसका धरातल पे सही तरीके से अमलीकरण हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक समग्र प्रयास सरकार को करनी पड़ेगी, राज्य सरकार को करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, और यहाँ जितने भी बैठे हुए हम लोग हैं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्था से हो और समाज के अन्य कोई लोग हो, समग्र प्रयास की बिल्कुल आपको जरूरत लगी। कैलाश जी, अगर हम थोड़ा सा 1986 के बाद अगर हम 2006 की रिपोर्ट को देख लें, आईएलओ ने जो कृषि क्षेत्र है उसको तीसरी डेंजरस इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन वहां भी बदस्तूर जारी है। जैसा कि आफ्ताब ने भी हम लोगों को बताया, आपने भी हमें बताया, वहां क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? वहां के लिए जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, फंड्स हैं, बट वहां की निगरानी कैसे होगी? देखिए, पहले मैं आफ्ताब जी की बात को थोड़ा सा बढ़ाऊं आगे कि एक तो कानून की जो उन्होंने चर्चा की, कानून हमारा बहुत लचर अधूरा कानून है। बाल मजदूरी की समाप्ति के लिए ये कानून नहीं बन पाया है। 1980 से 86 तक मेरे जैसे लोग लड़ते रहे कि कानून बनाइए। हम लोग उसमें शामिल थे क्योंकि उस समय कोई ज्यादा एनजीओज नहीं थे, तो चंद लोग संघर्ष कर रहे थे कि बाल मजदूरी की समाप्ति के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन 86 में जो कानून आया उसमें थोड़े से हिस्से को उन्होंने प्रोहिबिटिव पार्ट में रख दिया कि भाई यहाँ बाल मजदूरी नहीं होगी, बाकी जगह को रेगुलेट कर दिया कि भाई यहाँ होगी लेकिन 4 घंटे होगी, 6 घंटे होगी, वगैरह वगैरह। तो वो कानून बहुत बेकार हो गया। बाल मजदूरी होगी या नहीं होगी इस पर हमें एक राजनीतिक फैसला करना होगा, एक सामाजिक फैसला करना होगा। दूसरा, मैं ये बताऊं आपको कि तमाम कोशिशों के बावजूद बचपन बचाओ आंदोलन ने, और मैंने खुद हजारों हजारों बच्चों को, 2-4-10 की बात नहीं कर रहा हूं, 80,000 के लगभग बच्चों को बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से सीधी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई द्वारा मुक्त कराया। लेकिन एक मालिक ऐसा नहीं है, एक मालिक इतने सालों में जो जेल के अंदर इस बात के लिए सड़ रहा हो कन्विक्टेड होकर, कन्विक्शन होने के बाद, कि वो बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी कराने के कारण 3 साल की सजा भुगत रहा, ऐसा नहीं, सजा नहीं हो रहा। तो ये एक पक्ष है। अब आपके सवाल का मैं जवाब दूं कि खेतीहर उद्योग 100% खतरनाक उद्योग है। एक तो बच्चे जिन हालातों में काम करते हैं, अब पेस्टिसाइड के ऊपर खेती है, इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर खेती है, अब जो है वो अलग तरीके की खेती है, मशीनों की खेती है। तो आप देखें कि जितनी दुर्घटनाएं खेतियों में हो रही हैं आजकल, कटर में, मशीन में, ट्रैक्टर में, और बच्चे या किशोर बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी संख्या है। और पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से तो जो उन्हें नुकसान हो रहा है, केमिकल्स की वजह से उनके शरीर में नुकसान हो रहा है। हमने ऐसे सैकड़ों बच्चों को छुड़ाया जिनके पांव जो हैं वो गलने लगे थे, मतलब इतना खुजली हो गई और पांव में खाल खराब हो गई, फेफड़े खराब होने लगे थे। और मैं इतना बता दूं कि बिहार के सैकड़ों बच्चों को पंजाब में लाकर जो खेती कराई जा रही है बंधुआ बनाकर, उस खेती में रात रात भर उनको काम कराने के लिए अफीम खिला देते हैं चाय में मिला के, ताकि वो उनको सर्दियों में ठंड ना लगे और गर्मियों में धूप में काम कर सकें। खेती बहुत खतरनाक उद्योग है और उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए बाल मजदूरी। शशांक जी, अगर हम योजनाओं और पॉलिसीज की बात करते हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें देखते हैं, जो पॉलिसीज इन लोगों के लिए बनाई जाती है, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छी पिक्चर हमारे सामने ले जाती है, लेकिन जो नतीजा है वो हम सबके सामने है। आप क्या कहना चाहेंगे योजनाएं और पॉलिसीज और कानून? योजनाएं और पॉलिसीज की यदि हम बात करें तो हमारी सारी योजनाएं एंड पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से बच्चों से रिलेटेड जो है वो गाइडेड हैं। तो अच्छा तो जरूर लगेगा,
लेकिन क्या ये योजनाएं और कानून हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं इन ट्रू सेंस? रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 98 से हम किसी भी बच्चे को सर भी कहें इससे सहमत होंगे कि अगर हम रेस्क्यू करते हैं तो उनका कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ इंडस पॉलिसी थी जो सितंबर 98 में लैप्स कर गई, वो भी अमेरिकी सरकार की मदद से जो चल रही थी हमारे देश में, वो प्रोजेक्ट था। और उसके बाद बात किया इन्होंने सीएनसीएल चाइल्ड एनसीएलपी का, तो एनसीएलपी दुनिया देश के और हिस्सों में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो दिल्ली में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारी कमीशन ने इस पर पहल किया, हम मैटर को लेकर प्लानिंग कमीशन तक गए। अब हमारे यहाँ 60 सेंटर्स खुलने की संभावना है जिसका बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने जा रहा है। लेबर डिपार्टमेंट 40 ऐसे सेंटर्स खोलेगी जिनको रेस्क्यू करने के बाद उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, उनके एजुकेशन की व्यवस्था होगी। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है आईसीपीएस में बच्चों के लिए ड्रॉप इन सेंटर का कंसेप्ट है, शेल्टर होम्स का कंसेप्ट है, जहां ये बच्चे जो रेस्क्यू होंगे। अभी जो स्थिति है हमारे यहाँ की स्थिति यह है कि हम 3000 बच्चों को रेस्क्यू के बाद अपने घर रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये और नंबर जो है वो किसी भी दिन 50,000 से कम नहीं है। 2.5 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जो किसी भी समय आपको रोड पर मिलेंगे, लेकिन आप उन बच्चों को रेस्क्यू कर कहां ले जाएंगे, उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहां होगा? तो एक आईसीपीएस भी अब गवर्नमेंट ने चूंकि साइन कर दिया है, दिल्ली सरकार ने एक समझौता हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो एक वहां पर एक रास्ता और खुलता है कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके आप रिहैबिलिटेशन के लिए एटलीस्ट ट्रांजिट में आप रख सकते हैं, जहां उनकी थोड़ी बड़ी थोड़ी पढ़ाई हो, थोड़ा ट्रेनिंग हो, थोड़ा काउंसलिंग हो। क्या ये प्रयास आपको काफी लगते हैं? ऐसा लगता है और हमारी संस्था को भी लगता है कि कमी लॉ के लेवल पे भी है, पॉलिसी के लेवल पे भी है और प्रोग्रामिंग के लेवल पे भी है। आपने कहा कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन प्रोग्राम अच्छे बनते हैं क्योंकि वो जो उनके नॉर्म्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, पर क्या वो सभी बच्चों के लिए हैं? जब हमने आंकड़े ही पूरे इकट्ठे नहीं किए, जो हमारा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो कि डिफाइन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वही इनएडिक्वेट है, उसी में कमी है। जो इंडियन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है जिसके थ्रू नेशनल सैंपल सर्वे जो डेटा कलेक्ट करता है, जो हमारा 64th राउंड का अभी जो डेटा 7-8 का अवेलेबल है, तो उसने ही बहुत कम बच्चों को डिफाइन किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। फिर वो डेफिनेशन में ये कमी है कि वो बच्चों के सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको डिफाइन करता है, या जहां पे कुछ पैसे का आदान प्रदान है या पेड है। एक तो है हैजर्डस और नॉन हैजर्डस, लेकिन जब लिस्टिंग उनकी काउंटिंग होती है, एन्यूमरेशन होता है, वहां पर ये भी प्रॉब्लम है कि किनको हम डिफाइन करते हैं। और जब हमने डिफाइन किया, ठीक है ये है, ये एनसीएलपी का ये प्रावधान होंगे, इंडस आईएलओ के ये प्रावधान होंगे, पर कितने बच्चों के लिए? उनकी जब बजटिंग होती है, जब बजट लगाया जाता है, तो क्या सिर्फ 1.25 करोड़ बच्चों के लिए लगना चाहिए, या 6 करोड़ बच्चों के लिए लगना चाहिए, या 10 करोड़ बच्चों के लिए लगना चाहिए वो पैसा? और वो पैसा फिर बाकी सारे एक्टिविटीज के भी नहीं लगते हैं। रेस्क्यू का लग गया, रिहैबिलिटेशन का नहीं लगा, पनिशमेंट का जो फाइन होता है उसके थ्रू कुछ इनकम होना था, वो इनकम तो आता नहीं है। फिर वो कैसे यूज होगा, उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बने हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं पॉलिसी में। बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम इसको सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि ये मतलब एम्प्लॉयर ने जुर्म किया, और जो एम्प्लॉई है, जो बच्चा है, वो भुक्तभोगी है। सिर्फ उतना ही नहीं है, हमें इसे समग्रता में देखना चाहिए कि उस बच्चे का बचपन छिन रहा है। वजह क्या थी उसका बचपन छिन रहा है? क्या हम आजीविका की बात देखते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बच्चों को अपने फैमिलीज के साथ माइग्रेट होकर आना पड़ता है, या खुद वहां पर भी एग्रीकल्चर में ही काम करना पड़ता है? अरुणा जी, सामाजिक भागीदारी पर नहीं, बिल्कुल। और एक और बात खास तौर पे, जैसे फैक्ट्री और खेतों का तो जिक्र हो गया, लेकिन उनका क्या जो ढाबे और गलियों में? और हाँ, मैं इधर हमें बोलने जा रही थी कि हम सिर्फ 12 जून को एक बाल दिवस या बाल श्रम दिवस मना के सरकार या सामाजिक संस्थाएं या हम मीडिया सिर्फ अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें बाल श्रम को एक गंभीर समस्या की तरह लेना चाहिए और इसे एक पूरी तरह से मानव अधिकारों के हनन के साथ जोड़ना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ दो गंभीर समस्याएं खड़ी होती है। अरे, एक हो रही है घरेलू हिंसा, बाल श्रमिकों के साथ घरेलू हिंसा का,
आप देखिए रोज, अभी मैं हम लोगों ने टीवी चैनल पे देखा या न्यूज़पेपर में पढ़ा या हम लोग भी जाते हैं देखते हैं कि एक 8-10 साल की बच्ची, 6-7 साल की बच्ची, उससे दिन रात 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, उसके बाद उसके साथ इतना